हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी लेकर। प्रेगनेंसी में आपने कई महिलाओं को ये कहते हुए सुना होगा कि मेरा बच्चा बहुत नीचे है, तो आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि बच्चा क्या नीचे ही होता है या कहीं ऊपर होता है पेट में, ये एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, इसके बारे में आज हम जरूर यहाँ बात करने वाले हैं। और आज हम इसमें जरूर बताएंगे आपको कि क्या इसके साइड इफेक्ट हैं या नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है या कुछ एबनॉर्मल है जिसके लिए आपको कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बच्चा जब बच्चेदानी में लगा तो बिल्कुल पेट के निचले हिस्से में होता है और ये धीरे धीरे ग्रो करके ऊपर की तरफ आने लगता है। और जब आपके डॉक्टर आपको चेक करके बताती हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ है, तो वो आपके पेट पर इस तरीके से हाथ रखकर चेक करते हैं कि बच्चे का हाइट क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है या कितना ऊपर है। तो इससे हमें ये पता चल पाता है कि बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है या बच्चा आपके जेस्टेशनल एज को, यानी कि महीने को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, यानी उसके मैच कर रहा है। यानी इस पिक्चर में आप देखिए कि बच्चा अगर 5 महीने का है तो नाभि के लेवल पर आ जाता है, यानी कि इस लेवल पर आ जाता है। यानी कि जब डॉक्टर आपको चेक करेगी तो अगर आपका बच्चे का लेवल यहाँ है तो आपको बताएंगे कि आपका 5 महीने का बच्चा है और बिल्कुल स्वस्थ है, सही है, उसका ग्रोथ एकदम सही है। यानी कि बच्चा नीचे से ग्रो होना शुरू हुआ है, यानी कि शुरू के 3 महीने में तो बच्चा बिल्कुल बच्चेदानी के अंदर यहाँ पे इस लेवल पर होता है कि एकदम से हाथ से हम नहीं चेक कर पाते कि बच्चे का लेवल क्या है। 4वें और 5वें महीने में हमें पता चलने लगता है कि बच्चा थोड़ा ऊपर आया है और अब नाभि के लेवल पर आ गया है, यानी कि अभी 5 महीने का हो चुका है। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि बच्चा 6 महीने का लेवल पर है, यानी कि नाभि से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि अगर हम पेट पर देखते हैं तो नाभि से अगर 4 फिंगर ऊपर है, 4 उंगलियां ऊपर है, तो 6 महीने में काउंट होता है। और अगर उसके 4 उंगली ऊपर और ऊपर आता तो 7वें महीने में काउंट हो जाता है, यानी कि नाभि के और ऊपरी हिस्से के बीच के बिल्कुल बीच वाले हिस्से में बच्चा जब होता है यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट हम लोग देखते हैं और ये 7 महीने का बच्चा हो गया है। और जब ये और ग्रो करेगा तो 8वां और 9वां महीना, और 9वां महीना जब होगा तो बिल्कुल ऊपर डायफ्राम को टच करने लगता है। तो अब आप समझेंगे कि 9वें महीने में आपका पूरा बेबी बंप कम्प्लीटली फ्लरिश हो रहा है, आप बेबी बंप एंजॉय कर रही हैं। जैसे ही 9वां महीना शुरू होता है तो बच्चा पूरा कम्प्लीटली ग्रो होकर पेट के ऊपरी हिस्से में बिल्कुल टॉप पे टच हो चुका है। अब आप समझे कि बच्चा यहाँ से शुरू होता है ग्रो करना, और जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता है, उसका वजन बढ़ता है, तो पेट में जहाँ ऊपर की तरफ जगह है वहीं तो बच्चा ग्रो करेगा। तो नीचे से बढ़ना शुरू होता है, ऊपर आता है और धीरे 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 9वें महीने तक आते आते पूरा पेट के ऊपरी हिस्से पर टच करता है। तब आप समझ चुके हैं कि बच्चा नीचे होना बिल्कुल नॉर्मल चीज है, इसमें कोई एबनॉर्मल नहीं है, वहीं पे जगह है, वहीं से ग्रो करेगा, वहीं पे उसको आगे ऊपर की तरफ जगह मिलेगी। तो फिर बच्चा जाएगा कहाँ, बच्चा तो यहीं रहेगा और यहीं ऊपर बढ़ेगा। इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, एब्सोल्युटली नॉर्मल थिंग, इसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये जो डिस्कशन अब सभी औरतों में किया जाता है कि मेरा बच्चा बहुत नीचे है, कहीं इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, कहीं मेरा अबॉर्शन तो नहीं हो जाएगा, या मेरा बच्चा कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चिंताएं अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए और बिल्कुल एक स्वस्थ बेबी को जन्म देने के लिए आप अपनी तैयारी कीजिए लेबर के लिए, क्योंकि जैसे ही अब 9वां महीना कम्प्लीट होगा, आपके पेल्विस में थोड़ा सा स्पेस बनेगा और बच्चे का हेड पेल्विस में नीचे की तरफ जाने लगेगा। और आप इस पिक्चर में देखेंगे गर्भाशय टनल होता है बच्चेदानी के नीचे, जहाँ बच्चेदानी का मुंह खुलता है और फिर वजाइना होती है, तो सर्विक्स और वजाइना मिलकर एक पूरा टनल बनाते हैं जहाँ से पूरा बच्चा पास होता है और डिलीवर होता है। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि बच्चा नीचे से ग्रो कर ऊपर तक आता है और फिर गर्भाशय टनल से डिलीवर होता है, यानी कि नीचे की तरफ से डिलीवर हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक रहा होगा, आपको एक नई जानकारी मिली होगी। तो मैं समझती हूँ कि आप इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों से, अपनी सहेलियों से, अपने परिवार वालों से जरूर शेयर करेंगी और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में आगे बढ़ाएंगी, ताकि वो भी जान पाएं कि बच्चा नॉर्मल पोजिशन में कहाँ होता है, नीचे होता है या ऊपर होता है, और उनके भी दिमाग का कंफ्यूजन दूर हो सके और उनके दिमाग की बत्ती जल सके। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं और एक बार दोबारा फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। लेकिन अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर योर सेल्फ, योर बेबी एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी।